अमृता की कहानी। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए कितने जरूरी है और अमृता ने अपने गांव के पेड़ों को कैसे बचाया। जिया आज घर पर अकेली है क्योंकि जिया की मम्मी अभी तक ऑफिस से नहीं आई है। जिया चुपचाप अपने टेबल पर बैठकर होमवर्क कर रही है और बोबो भी उसके साथ है। तभी जिया को कुछ चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वो उठ के खिड़की से बाहर देखती है। अरे बोबो, देखो उस पेड़ पर कितने सारे पक्षी हैं और वो कितने सुंदर हैं। बोबो, मुझे तो वो पेड़ बहुत पसंद है, क्या वो तुम्हें भी पसंद है? तभी जिया के घर की घंटी बजती है। बोबो, हाँ लगता है मम्मी आ गई। अरे मम्मी, आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? जिया, आज मैं ऑफिस के बाद वृक्षारोपण करने गई थी, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। वृक्षारोपण पर क्यों? जिया, आज पर्यावरण दिवस है और इसीलिए हम सब ने आज पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प किया है। मम्मी, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार जरूरी हैं? ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें धूप से बचाते हैं, जानवरों को घर देते हैं, इनके और भी अनेक फायदे हैं। लेकिन मम्मी, जंगल में तो पहले से ही इतने सारे पेड़ होते हैं, तो फिर हमारे कुछ पेड़ काटने से पर्यावरण को कैसे नुकसान हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है, क्या कुछ पेड़ काटने से हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान होता होगा? नहीं जिया, अब तो पहले से पेड़ काफी कम हो गए हैं, इसीलिए हमारे पर्यावरण के लिए हर एक पेड़ बहुत जरूरी है। जिया, तुम्हें खिड़की के बाहर वो पेड़ कैसा लगता है? मम्मी, मुझे तो वो पेड़ बहुत पसंद है, उस पेड़ पर कितने सारे पक्षी होते हैं। मान लो जिया, अगर उस पेड़ को कोई काट दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मम्मी, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, मगर इतने सुंदर पेड़ को कोई क्यों काटना चाहेगा? अच्छा जिया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी? कैसी कहानी मम्मी? जिया, ये है अमृता की कहानी, ये एक सच्ची कहानी है। आज से करीब 300 साल पहले राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में एक अमृता नाम की लड़की रहती थी। मम्मी, ये खेजड़ली कैसा नाम है? क्या जिया की तरह तुम्हें भी ये नाम अजीब लगा? तुम सोच सकते हो गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा होगा? जिया, इस गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, जिसकी वजह से ही उस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा था। इस गांव के लोग पेड़ों का अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। गांव के सभी जानवर जैसे बंदर, हिरन, मोर सभी गांव में बिना डरे घूमते थे। मम्मी, क्या गांव के लोग जानवरों को बिल्कुल नहीं मारते थे? बिल्कुल नहीं जिया, गांव के बुजुर्ग ये मानते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर तो हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं। अमृता भी पेड़ों का खूब ख्याल रखती थी। वो रोज एक पेड़ को चुनती और उससे कहती कि वो बहुत सुंदर और ताकतवर है, जो सबका ध्यान रखता है, और वो उस पेड़ से बहुत प्यार करती है। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चे भी
पेड़ों से बहुत प्यार करते थे। कुछ सालों बाद अमृता बड़ी हो गई। एक दिन उसने देखा कि कुछ अजनबी लोग कुल्हाड़ी लेकर गांव में घूम रहे थे। कुल्हाड़ी लेकर? मम्मी, वो लोग कौन थे? जिया, वो लोग राजा के आदमी थे। वो राजा के महल के लिए लकड़ियां काटकर ले जाने वाले थे। अमृता को जैसे ही ये पता चला तो वो उस पेड़ से लिपट गई जिसे वो लोग काटने वाले थे। अमृता के ऐसा करने पर भी वो लोग नहीं रुके। उन्होंने कुल्हाड़ी से वार किया। कुल्हाड़ी के एक वार से ही अमृता घायल होकर गिर गई, पर फिर भी अमृता ने पेड़ को नहीं छोड़ा। ये देखकर गांव के बाकी लोग भी पेड़ों से लिपट गए और अमृता की तरह ही गांव के करीब 300 लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। हाँ, क्या 300 लोगों ने अपनी जान दे दी? हाँ जिया। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसके बाद क्या हुआ मम्मी? जिया, जब राजा को इस घटना का पता चला तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान कैसे दे सकते हैं। इसलिए वो उस गांव में खुद आए और लोगों का पेड़ों के लिए प्यार देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। राजा ने आदेश दिया कि उस गांव में ना तो कोई पेड़ काटेगा और ना ही शिकार करेगा। क्या तुमने कभी शिकार करने वालों के बारे में सुना है? तुम्हें क्या लगता है, वो शिकार क्यों करते होंगे? जिया, आज 300 साल बाद भी लोग इन पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। इन लोगों को विश्नोई कहा जाता है। और जिया, रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका बिल्कुल हरा भरा है। अब मैं समझी कि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए कितने जरूरी हैं और साधारण लोग किस तरह से पेड़ों की रक्षा कर सकते हैं। मम्मी जिया की ये बात सुनकर बहुत खुश थी। मम्मी, मैं भी आज एक पेड़ लगाना चाहती हूँ, पर मेरे पास तो कोई पेड़ ही नहीं है। अरे जिया, मैं तो बताना भूल ही गई, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। हाँ, कैसा तोहफा मम्मी? मैं तुम्हारे लिए ये छोटा सा पेड़ लेकर आई हूँ। हाँ मम्मी, ये कितना सुंदर है, मैं इसे ले जाकर हमारे बगीचे में लगा देती हूँ। बहुत अच्छे जिया। आओ बोबो, तुम भी चलकर सीख लो कि पेड़ कैसे लगाते हैं। सारांश, इस वीडियो में हमने देखा कि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए कितने जरूरी है और अमृता ने अपने गांव के पेड़ों को कैसे बचाया।